शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम दो दिन में कर दिखाएंगे सर, हम हमारे मकसद के बहुत करीब हैं, बस कोई गड़बड़ ना हो। ठीक, ये किस मकसद की बात कर रहे हैं अभय? रत्ती भर भी शर्म नहीं है तुम्हें? बिना दरवाजा खटखटाए घुसी चली आ रही है अंदर, और ऊपर से मेरी बातें भी सुन रही हो। नहीं अभय, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, मुझे आपसे बात करनी है अभय। अभय देखिए, बहुत जरूरी बात है। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और भी काम होते हैं मुझे। तुम जाओ यार, यहाँ आप अपना सारा काम छोड़िए और पहले मेरी बात सुनिए, बहुत जरूरी है अभय। क्या तुम कितनी जिद्दी हो, बोलो क्या बोल रहे हो तुम? देखिए अभय, मुझे लगता है आपको अपनी सच्चाई पुलिस को बता देनी चाहिए। अभय, मैं मानती हूँ कि आपने जो भी चोरियां की है उसके पीछे के इरादे नेक हैं, लेकिन चोरी का रास्ता तो गलत है ना? रास्ते या तो नेक होते हैं या तो गलत, और अगर गलत है तो तुम्हें अपनी बहन को बता देना चाहिए था, जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी सच की। क्योंकि अभय, उस वक्त कीर्ति को आप में सिर्फ एक अपराधी नजर आ रहा था, जो कि ना ही सिर्फ चोरियां करता है बल्कि मासूमों को चोट भी पहुंचाता है। अभय, अब जब कुणाल की असलियत सबके सामने बाहर आ गई है तो यही सही वक्त है, आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। श्रद्धा, अभी तुम्हें पूरी बात नहीं पता है, आधी बात आधे पके खाने की तरह होती है, किसी को नहीं पचती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अभय? मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे मामलों में दखल मत दो तुम, अपने काम से काम रखो। काम की तो बात आप समझ नहीं रहे अभय, जितना आप अपने आप को इस दलदल में डालेंगे उतना ही इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभय, मैं नहीं चाहती कि आपकी सच्चाई गलत तरीके से सबके सामने बाहर आए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। जल्द से जल्द काम हो जाना चाहिए, पूरे पैसे दे रहे ताकि हमारा वक्त ना बर्बाद हो। बिना वक्त बर्बाद किए सीधा मुद्दे पर आते, अनुज भैया का जन्मदिन है। हाँ, इस बार ना भाई साहब को बहुत अच्छा सरप्राइज देना चाहिए हमें, क्यों श्रद्धा? हाँ हाँ। अरे क्या हुआ बेटा, आप क्या सोच रही हैं? ताई जी, मम्मी, आज सुबह सुबह सभा बैठ गई, किस चीज पे पंचायत हो रही है? पंचों की राय ये है कि इस बार चाचू के बर्थडे पे हम एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, आप भी आइए बैठिए और अपनी विशेष टिप्पणी दीजिए, बैठिए। हाँ हाँ, पहले ये तो बताओ कि आप लोगों ने क्या सोचा है? अभी तक कुछ सोचा तो नहीं है, पर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो पापा ने कभी ना सोचा हो। अरे इस मामले में तो श्रद्धा हमेशा आगे रहती है, क्यों श्रद्धा? नए साल वाली पार्टी भी कितनी मजेदार की थी ना? क्यों ना चाचा जी को एक जबरदस्त सा तोहफा दे, ऐसा जो उन्हें चाहिए भी और उनके लिए सरप्राइज भी हो जाए। क्यों ना हम लोग उनको कुछ ऐसा महंगा तोहफा दे जिसमें हम सबका प्यार दिखे, जैसे कोई फोन या वॉच। हाँ बिल्कुल सही रहेगा, है ना? एक और आइडिया है, क्यों ना अंकल जी को हम एक ऐसा तोहफा दे जो कि बहुत अनमोल हो, जो ना कभी खराब हो सके ना कभी बदल सके, जैसे उनके परिवार वालों की दिल की बात उनके लिए। हम एक काम करेंगे ना, हम एक बड़े से कार्ड पे या कोलाज पे वो सब लिखेंगे जो हम उनके बारे में सोचते हैं। हाँ, और उस तरह पुरानी फोटोज भी लगा देंगे, एकदम रंग बिरंगा लगेगा। चलो, फोटोज के प्रिंट निकालने की जिम्मेदारी मेरी, पर उसे सजाने की जिम्मेदारी श्रद्धा की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे घर में सबसे अच्छी कलाकार श्रद्धा ही है। कर लो जितनी तैयारियां करनी है श्रद्धा,
मैं करूंगी अपनी तैयारियां तुम्हारे लिए गड्ढा खोदने। अगले 24 घंटे में ऐसा गिरोगी सबकी नजरों में कि फिर कभी उठ नहीं पाऊंगी तुम। हेलो, कौन बोल रहा? सर, हम दो दिन में कर दिखाएंगे सर। हम हमारे मकसद के बहुत करीब हैं, बस कोई गड़बड़ ना हो। कौन था फोन पे अभय के साथ? ये सर आखिर है कौन? और दो दिन में कौन सा मकसद पूरा करना है इन्हें? कैसे पता लगाऊं? चल। अरे ओ मैडम जी, पैसे दिए भी नहीं चली जाएगी, रिक्शे का पैसा दो। अरे भाई साहब, हम हैं ना यहाँ, दे रहे हैं आपको पैसे। अच्छा अच्छा, हाँ ये लीजिए, हो गया। आ जा। श्रद्धा, क्या हो गया तुम्हें? इतनी खोई खोई काहे लग रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, सब तो ठीक है। हाँ हाँ, एक काम करो, तुम जन्मदिन की खरीदारी कर लेना। हाँ, तब तक हम फल और सब्जी खरीद लेते हैं, ठीक है? और हाँ, अनुजी की दवाई भी खत्म हो गई है, तो याद करके वो भी खरीद लेना, ठीक? यार वो आएगी कि नहीं? अगर नहीं आई तो? नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे फोन करने की? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक तो तुमने अभय की जान लेनी चाहिए और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? कभी नहीं, भगवान करे सीधा तुम्हें फांसी हो, खूनी हो तुम। अरे वो तो पुरानी दुश्मनी का बदला चुकाना था, इस वजह से 10 साल से दिमाग खराब कर रखा था मेरा दोनों ने। लेकिन अब मेरी अभय से कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि उसकी याददाश्त तो जा चुकी है और तुम्हारे रहते कभी वो वापस नहीं आएगी। और मैंने जो किया ना बेटा, उसके लिए तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, समझी? शुक्रिया वो भी तुम्हें? मैं कहूंगी जेल में रहकर पागल हो गए तुम। अगर अभय की याददाश्त नहीं जाती तो क्या कभी किस्मत तुम्हें अभय से मिलाती? कभी तुम्हारी बेरंग जिंदगी में शहनाई बचती? और वैसे शहनाई तक तो बात अभी भी नहीं पहुंची है। मेरा साथ दोगी तो वादा करता हूं अभय की बारात तुम्हारे दरवाजे जरूर आएगी। क्या चाहते हो तुम कुणाल? इस जिंदगी से उस कांटे को निकाल के फेंक देना चाहता हूं जो हम दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, श्रद्धा। अरे वाह श्रद्धा, आप तो सारा सामान ले आई। जी ताई जी। चलो देखते हैं कि हमारी श्रद्धा क्या क्या सामान लेकर आई है। श्रद्धा, तुम सामान क्या लेकर आई हो? वो जो बड़े से अक्षरों में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होता है वो नहीं है, और ना फुगो का पैकेट नजर आ रहा है, तो तुम क्या लेकर आई? सॉरी बुआ जी, वो मैं भूल गई। अरे तब से हम तुमसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तब तुम कह रही थी सब कुछ ठीक है, और जिस काम के लिए गए थे वही नहीं किया, भूल गए। ऐसा ही होता है मम्मी, जब दूसरों के काम में उलझे रहो ना तो अपने काम से तो मन भटके गई। अच्छा तो मौका ही क्यों देते हैं दूसरे कि उनके काम में भी सामने वाले को ही सही और गलत की पहचान बतानी पड़ती है? बोल तो ऐसे रही हो जैसे सही और गलत में तुमने पीएचडी कर रखी हो। सही और गलत के बीच पहचान बताने के लिए ना पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती,
वो आपका अंतर्मन होता है जो आपको सही रास्ते पर लेके जाता है, और गलती से वो भटक जाए ना तो ये अपनों का फर्ज है कि वो उन्हें सही रास्ते पर लेके आए। बस ज्ञान देती रहो, जय हो श्रद्धा माता की। फिर ये दोनों पति पत्नी शुरू हो गए। कभी कभी तो हमें लगता है जैसे अभय की याददाश्त गई नहीं है, जैसे पहले बहस किया करते थे देखिए वैसे ही कर रहे हैं। वरुण और कीर्ति भी तो यही करते हैं। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसे होता है, कितना भी लड़ झगड़ लो पर दिल में प्यार हमेशा बना रहता है। कभी भी अपनी गलती मान सकते हैं क्या? मैं आपको कुछ अच्छा ही बताने की कोशिश कर रही हूँ और आप हैं? छोड़िए ये सब बातें, जाइए वो हैप्पी बर्थडे वाला बैनर और एक पैकेट बलून लेकर आइए। चल अच्छा है कि तुम लोगों को अकल आई जो झगड़ा बंद किए तुम लोग। अच्छा बेटा अब तुम जल्दी जाओ और तुम्हारे पापा के आने के पहले सारा सामान ले आओ, जाओ। ठीक है मम्मी। कुनाल तुमने ऐसा, अब क्या करूंगी मैं? कब तक मैं ऐसे ही जीती रहूंगी? भाभी भाभी क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या आपको? भाभी ये क्या कर रहे हो आप? ये तो कुनाल के कपड़े हैं। कुनाल का नाम और निशान इस घर से और इस कमरे से हमेशा हमेशा के लिए हटा रही हूँ। भाभी ये तो कुनाल... नहीं आरती, उस शैतान ने जो कुछ भी किया है ना उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन आरती इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी चीजों को अपने पास रख के उसके दिए हुए दर्द को तुम अपनी सजा बना लो। दान कर दो उसकी चीजें और खुद को आजाद कर दो इन सब से। ये क्या है रोशनी जी? तुम्हारे लिए एक तोहफा। मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। ये तोहफा मेरी तरफ से नहीं आरती, तो कुनाल ने दिया है। पर वो तो जेल में है ना? कुनाल ने ये अंगूठी बहुत पहले ही तुम्हारे लिए बनवा ली थी। उसने सोचा था कि साल के पहले दिन तुम्हें ये तोहफा देगा और तुमसे अपनी सारी गलतियों की माफी मांगेगा। नहीं, अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरती अगर फर्क नहीं पड़ रहा होता ना तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होते। मैं देख सकती हूँ कि कैसे आज कुनाल के नाम पर तुम्हारी आंखें अब भी भर आती हैं क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। आरती भोली ही नहीं बेवकूफ भी है, चार पांच लाइनें मारोगी उस पे प्यार भरी और सीधा मुट्ठी में आके बस सकती है। मैं जानती हूँ कुनाल ने तुम्हारे साथ बहुत बहुत बुरा किया है, लेकिन एक मानसिक डॉक्टर होने के नाते मैं ये भी समझती हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसका गुस्सा अगर उसकी कमजोरी है ना तो तुम्हारा प्यार उसकी ताकत है। जानती हूँ कि श्रद्धा को तुम्हारी बहुत चिंता है, लेकिन वो क्या जाने कुणाल के मन में क्या चल रहा है, लेकिन श्रद्धा ने अपनी भावनाओं में आके उन सपनों को तोड़ दिया। श्रद्धा ने
अपनी बहन की जिंदगी को तो दिशा दे दी और अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ गई है, लेकिन आरती तुम्हारी जिंदगी का क्या, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो उसने बेरंग कर दी ना। ठीक वैसे ही जैसे एक सुहागन को विधवा कर दिया। तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी जिंदगी में, वो प्यार, वो पति अब जेल में है, एकदम अकेला, जैसे तुम यहां एकदम अकेली। एक छोटी सी चिंगारी कितनी बड़ी आग लगा सकती है ना, अब तुम ये देखना श्रद्धा। देख लीजिए भैया, आप जो सामान जहां बांट सकते हैं ले जाइए। रुकिए भैया, क्या हुआ आरती? हमें ये सामान नहीं देना है। आरती, आरती तुम इसे अगर अपने पास रखोगी तो इसे तकलीफ तुम्हें ही होगी। नहीं भाभी, आपने मुझे कुनाल से अलग किया, मैंने आपका साथ दी, पर उसकी यादों से आप मुझे अलग कर दे, ये हक मैं आपको नहीं दे सकती। आरती, कुनाल एक मुजरिम है, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया। बस कीजिए भाभी, हमें अब जाना चाहिए, कोई और काम हो तो बताइएगा। नमस्ते। आरती, अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? आपको क्या हो गया भाभी? हाँ, मैंने माना कि कुनाल ने मुझ पर हाथ उठाया, पर सबसे ज्यादा प्यार भी तो उसी ने मुझे किया है ना भाभी, तो वो सब मैं कैसे भुला दूँ? और जब आपकी बहन की शादी में परेशानी आई तो आपने उनके रिश्ते को बचाने में हमेशा उनकी मदद की, और मेरा रिश्ता, उसे तो आपने एक झटके में तोड़ दिया भाभी। नहीं आरती, इस रिश्ते में कुनाल गलत है। नहीं भाभी, गलत आप है। कितनी खुश थी मैं कुनाल के साथ, लेकिन आपने सब सब बर्बाद कर दिया। आरती, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम आप कुछ नहीं जानती भाभी। अभी तो एक ही दिन हुआ था श्रद्धा, और त्रिपाठी परिवार का एक सदस्य आउट। ये तो बस एक छोटी सी झलक है तुम्हारे लिए श्रद्धा, अभी तो गेम शुरू हुआ है, देखती जाओ, इस घर से तुम बाहर बहुत जल जाओगी, वो भी सिर्फ नफरत लेकर। लो भाई, हम सब ने अपने अपने दिल की बात इन चिट्ठियों पे लिख दी है। ये लो, ये सारी चिट्ठियां, ये तस्वीरें, और इन पे तुम अपना मैसेज भी लिखना मत भूलना। और अब इसे तुम अपनी कलाकारी से सजा दो। तब तक हम सबको ना तैयार होने के लिए बोल देते, भैया के आने का वक्त हो गया है, वो कभी भी आ सकते हैं। और हाँ, ये सारा काम खत्म करके तुम भी जल्दी से तैयार हो जाना, हमें भी तैयार होना है, हम चलते। थैंक यू। हजार झगड़े होते हैं इस घर में, मगर फिर भी
ये परिवार सिर्फ प्यार बरसाता है। रोशनी, तुम हमारे रिश्तों में चाहे कितना भी जहर खोलने की कोशिश कर लो, मगर ये परिवार उस जहर को भी ना अमृत की तरह पी जाएगा। कुछ भी कर लो, तुम हमें नहीं तोड़ पाओगी। ये तो बन गया, अब एक बार जाके ना केक भी देख लेती हूँ। पापा जी का जन्मदिन है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। कलाकार तो तुम हो श्रद्धा, लेकिन तुम अब मेरी कलाकारी देखना। जब ये कला तुम्हारे हाथ में आएगी, तब तुम्हें समझ में आएगा मेरी चुनौती का अंजाम क्या होता है। ऐसा क्यों लग रहा है? कहीं कुछ गलत हो रहा है? हुआ क्या है इन्हें? इन्हें दिल का दौरा नहीं, पैनिक अटैक आया। थोड़ी देर पहले तो ये बिल्कुल ठीक थे। इन्होंने आंसुओं की दवा ली थी? हाँ भाई, डायबिटीज की दवा। क्या मैं दवा दे सकता हूँ एक बार? ये दवा तो गलत है, ये किसने दिया? जी श्रद्धा ने। इन्हें इसी की वजह से पैनिक अटैक आया है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।